चलिए आज के इस वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये आज का पांच कदम का अगला सेशन है रीजनिंग का, और इसमें पांच अलग अलग बेहतरीन सवाल मैं लेके आया हूं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, और ये आगामी आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं। या पैटर्न समझ लीजिएगा कि किस पैटर्न पे सवाल आता है, उसी पैटर्न पे भी रह सकते हैं, सेम टू सेम तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन आपको क्या, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, पैटर्न समझना है, किस पैटर्न पे सवाल आते हैं और उसको कैसे बनाया जाता है। तो आज का सबसे पहला सवाल है, देखिए कथन और निष्कर्ष स्टेटमेंट से सवाल है, और ये सवाल रेलवे के एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न आएंगे। कथन और निष्कर्ष से क्या है, 4 से 5 प्रश्न आपको रीजनिंग में देखने को मिल सकता है, हमेशा पूछा ही जाता है। देखिए सबसे पहले कथन को पढ़ना है और उसको बनाना है डायग्राम, उसके बाद निष्कर्ष निकालना है कि निष्कर्ष क्या होगा। कुछ तोते पक्षी हैं, बनाइए कुछ तोते पक्षी हैं, कुछ तोता है जी पक्षी है, चलिए कुछ भाग है तोता का वो पक्षी है। कुछ बिल्ली तोते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ बिल्ली है जो तोता है, क्या है, कुछ बिल्ली है जो तोता है, ये बन गया आपका डायग्राम। अब निकालिए कुछ बिल्लियां पक्षी है, कुछ बिल्लियां पक्षी है, देखिए तो कोई रिलेशन है इससे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गलत दिया गया है स्टेटमेंट, तो ऑटोमेटिक गलत हो गया, बोल रहा है क्या कुछ बिल्ली पक्षी है, कुछ बिल्ली पक्षी है कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, कोई बिल्ली पक्षी नहीं है, कोई बिल्ली पक्षी नहीं है, नहीं है, यानी कि ये सही बोल रहा है जी, कोई बिल्ली पक्षी नहीं है, यानी कि जो निष्कर्ष है वो सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा केवल दो अनुसरण करता है, यानी कि निष्कर्ष दो इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझिए, बनाया कैसे जाता है और कर कैसे हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, ये भी आपको बेहतरीन सवाल है रीजनिंग का, आता है हमेशा। एक प्रश्न आकृति नीचे दी गई है, किसी आकृति में सन्निहित छिपी हुई है जिसके उत्तर नीचे छवियों में से एक है, एक प्रश्न है जी और उसका उत्तर दिया गया है, ये आकृति किस में छिपा हुआ है, ये चार ऑप्शन दिया गया है, ऐसा आकृति किस में छुपा गया है, तो देखिए किस में छुपा गया, फर्स्ट ऑप्शन से चलते हैं, ये देखिए तो ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, इसमें इसमें, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, इसी में छिपा हुआ है। और दूसरा देखिए, दूसरा कैसे है, नहीं है। तीसरा, तिसरा ऐसे आया, ऐसे आया, तिरछा, नहीं, ये भी गलत हो गया, चौथा तो है ये ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इसको देखना था कि ऐसा कृति किस में छुपा हुआ है, बस आप निकाल लीजिए, आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला आपका सवाल है आगे, ये भी बहुत ही शानदार सवाल है, क्या है, उस आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को सबसे अच्छा दर्शाता है, बैल पशु मांसाहारी, चलिए बैल है जे, बैल है जे, ये क्या है आपका, बैल है, तो बैल क्या होता है, पशु होता है ना जी, तो सभी बैल पशु हो सकते हैं, लेकिन कुछ बैल क्या हो जाएगा, कुछ पशु बैल हो जाएगा, बैल है जो क्या है, बैल पशु होते हैं ना, तो सभी बैल क्या हो जाएगा, पशु हो जाएगा। अब बोला मांसाहारी, तो पशु है जो मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है, तो पूरा का पूरा तो पशु मांसाहारी नहीं होगा, तो कुछ क्या हो जाएगा, कुछ पशु हो जाएगा जो मांसाहारी हो जाएगा, मांसाहारी कुछ ही के लेंगे, सभी को हम लोग नहीं लेंगे। तो देखिए कि ऐसा डायरेक्शन कौन बना हुआ है, देखिए तो ऐसा डायरेक्शन ऑप्शन नंबर डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं था, बैल पशु मांसाहारी दिया गया था। जैसे आपको दे देगा फल, आम, अंगूर, चलिए इसको कैसे बनाइएगा, तो ये क्या है, फल है जी, ये क्या है, टोटल फल है, अब फल के ना अंदर आएगा अंगूर और क्या, आम आएगा, तो इस तरह से डायरेक्शन बन जाएगा, है ना, तो ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा, तो एग्जाम में आप लोग अच्छा से करके आइएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार है ये भी, यदि दूध को मक्खन, मक्खन को कलम और कलम को स्याही, स्याही को साबुन, साबुन को कागज कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर को धोने के लिए उपयोग किया जाता है, शरीर में क्या लगाते हैं हम लोग नहाते हैं, तो साबुन सर, क्या लगाते हैं, साबुन, तो बहुत लोग लड़के मार देंगे क्या, साबुन आंसर, लेकिन ठहरिए, रुको जरा रुको, क्या साबुन को क्या कह रहा है ये सवाल में, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो
स्याही को साबुन और साबुन को कागज कहा जा रहा, क्या साबुन को कागज कह रहा, तो क्या हो जाएगा, साबुन को कागज कह रहा तो हमारे शरीर में धोने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा, कागज। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका कागज आ जाएगा ये प्रश्न के अनुसार। ऐसे तो हम लोग साबुन ही लगाते हैं नहाने के लिए, लेकिन दूध को मक्खन कह रहा तो यहाँ पे बोल देता कि गाय क्या देता है, तो दूध देता है, तो सही बात है, लेकिन क्या मक्खन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूध को मक्खन इंडिकेट कर रहा, मक्खन कह रहा, यहाँ पे हमारे साबुन को क्या कह रहा, कागज, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, कागज आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न था समाप्त होता है, और इसी तरह का वीडियो अगर चाहते हैं तो पूरा का पूरा आपको लाइक करना पड़ेगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।